हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स, और कल संडे है तो संडे को करंट अफेयर्स का सेशन नहीं आता है, आप सभी को जानकारी है। ठीक है, तो संडे को क्या होगा, हमारा क्विज होगा, हमारा टेस्ट होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपको करने होंगे। सभी लोग तैयार हो जाइएगा आने वाले क्विज के लिए। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप ले सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नवंबर महीने की, नवंबर मंथ की जो हिंदी में पीडीएफ आनी थी ना, मंथली पीडीएफ, वो भी आ गई है एप्लीकेशन पे। तो जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और उनको हिंदी में करंट अफेयर्स चाहिए है तो वो हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा एसएससी कोर्स और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं और आप यूज़ करते हैं पूजा 10, तो इससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर ITF वर्ल्ड चैम्पियन 2022 के बारे में। ITF क्या है, मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को ITF कहते हैं। इसका फॉर्मेशन जो है वो 1 मार्च को हुआ था, 1 मार्च को 1913 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्रेजेंट में लंदन UK में इसका हेड ऑफिस आपको मिलेगा, और डेविड हैग्रीट जो है इसके प्रेसिडेंट है। तो ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड चैम्पियन 2022 अनाउंसमेंट किया गया है, मेल कैटेगरी में भी और फीमेल कैटेगरी में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल कैटेगरी में। तो मेल कैटेगरी में ITF वर्ल्ड चैम्पियन फिफ्थ टाइम कौन बन गए हैं, राफेल नडाल बन गए हैं। 2008, 2010, 2017 और 2019 और अब 2022, ऐसा ये पांचवी बार जब है ये वर्ल्ड चैम्पियन बन रहे हैं। ITF वर्ल्ड चैम्पियन कौन, राफेल नडाल। अगर बात करते फीमेल कैटेगरी में तो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, ईगा स्वेतेक जो है ये ITF वर्ल्ड चैम्पियन फीमेल कैटेगरी में बनी है। तो दोनों खिलाड़ियों के नाम याद रखना बड़े आसान है, बहुत बार हमने पूरे सेशन में इनको डिस्कस भी किया है, कई बार इनके नाम लिए हैं, तो आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। अगली पर्सन जो है उनका नाम है क्लाउडिन गे। क्या नाम है इनका, क्लाउडिन गे, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होने वाली पहली ब्लैक प्रेसिडेंट बन गई हैं। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन बन गई हैं, क्लाउडिन गे बन गई हैं। ठीक है, इसके पहले ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही डीन के रूप में काम कर रही थी, अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बन गई है, पहली ब्लैक प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ 30th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। किस नंबर की, 30th नंबर की प्रेसिडेंट ये बन गई हैं। ठीक है, और ये किसे रिप्लेस करने वाली हैं, तो लॉरेंस बकाओ को ये रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उनका टेन्योर जुलाई 2023 में कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद जुलाई 2023 से जो टेन्योर शुरू होगा वो क्लाउडिन गे का शुरू होगा। ये सेकेंड वीमेन बन गई हैं जो कि एलाइड कॉलेज, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो एलाइड कॉलेज का जो ग्रुप है उनके प्रेसिडेंट बनने वाली ये सेकेंड फीमेल बन गई हैं, और साथ ही साथ ही पहली ब्लैक प्रेसिडेंट बन गई हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। नाम याद रखेंगे, क्लाउडिन गे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं NHPC। NHPC क्या होता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। क्या होता है NHPC का, मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, NHPC होता है। ठीक है, जिसको 1975 में, जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था, 1975 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, और हेडक्वार्टर इसका हरियाणा में मिलेगा। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पानी को स्टोर करते होंगे, फिर एक डैम के ज़रिए इसको रोकते होंगे, पानी को टर्बाइन पे गिराते होंगे, और टर्बाइन जब घूमती होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती होगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, या मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो NHPC में राजीव कुमार बिश्नोई को एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं CMD के। तो CMD मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। एडिशनल चार्जेस किसे मिले हैं, राजीव कुमार बिश्नोई को मिले हैं, और अब ये NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के कारभार को संभालने वाले हैं। NHPC में आपको बता दूँ एक मिनी रत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी की एक कंपनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। इंडिया सक्सेसफुली कैरीड आउट नाइट ट्रायल ऑफ अग्नि 5 मिसाइल। तो रिसेंटली भारत के द्वारा अग्नि 5 जो मिसाइल है, जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब न्यूक्लियर वेपन को कैरी करके ये टारगेट को दाग सकती है, टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है अग्नि 5 मिसाइल। इसका नाइट ट्रायल रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है। कहाँ पर? अबुल कलाम आइलैंड में, उड़ीसा में, ठीक है, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता था, उसी व्हीलर आइलैंड का आज के समय में अगर आप नाम देखेंगे तो APJ कलाम या अब्दुल कलाम आइलैंड इसको हम कहते हैं, जो कि उड़ीसा में है। तो इंडिया के द्वारा नाइट ट्रायल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है, जिसका नाम अग्नि 5 है। अब हमारे पास अग्नि कैटेगरी की अग्नि 1 से अग्नि 5 तक सारी कैटेगरी अवेलेबल है, मतलब इनकी जो टारगेट करने की रेंज है वो 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक की रेंज में हमारी अग्नि मिसाइल जो है वो काम कर सकती है, कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक। तो आपको याद रखना, अगर पूछा जाए कि अग्नि जो मिसाइल है उसकी रेंज क्या है, तो 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक की ये मारक क्षमता रखती है, टारगेट को हिट कर सकती है अग्नि 5 से अग्नि 5 तक। तो रिसेंटली अग्नि 5 का जो नाइट ट्रायल है उसे कंडक्ट कराया गया है। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल भी है, न्यूक्लियर मतलब वेपन को ये कैरी कर सकती है, लाइटर वेट है और 5000 kg तक के ये पेलोड को कैरी कर सकती है, मतलब इतना गोला बारूद आप इसमें रख सकते हो, इतने पेलोड को ये कैरी करके टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। अब इसे किस कैटेगरी के अंतर्गत तैयार किया गया है? तो हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही की गई थी, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशियंट बने मिसाइल टेक्नोलॉजी में, इसलिए तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अग्नि 5 मिसाइल को तैयार किया गया। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इस सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह में मात करने वाली मिसाइल है। सो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, ठीक है। अब APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसमें हमें पटना जाना था, मतलब हमें 5 मिसाइल की कैटेगरी तैयार करनी थी, पृथ्वी के बाद अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो पटना, ठीक है, याद हो जाएगा, पटना से P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश, ठीक है। और बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि चाइना के पास जो मिसाइल है वो 12000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल है, तो उतना नहीं तो उसके आसपास तो हम पहुंच सकें, इसलिए हम अलग अलग समय पर इन मिसाइल्स को टेस्ट करते रहते हैं। अग्नि 1 जो है वो 700 से 800 किलोमीटर की रेंज पे है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर की रेंज, अग्नि 3 2500 किलोमीटर की रेंज पे काम करती है, अग्नि 4 जो है वो 3500 किलोमीटर की रेंज पे काम करती है, वहीं अग्नि 5 जो है ये लॉन्गेस्ट टारगेट को कवर करती है अग्नि सीरीज के, और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अपने टारगेट को वो हिट कर सकती है, और उसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है। हमने अग्नि 1 को रिप्लेस करने के लिए कुछ दिन पहले अग्नि प्राइम को या अग्नि P को भी लॉन्च किया था, और अग्नि जो प्राइम है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज में अपने टारगेट को मार सकती है, ठीक है, इतनी चीज़ें। चलो अगली बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में। आप देखेंगे ये पूरा ट्वीट किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नमामि गंगे को पहले 10 UN वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान प्राप्त हुआ है, तो सभी देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। ये देखिए आप, गवर्नमेंट के द्वारा ये पोस्ट को किया गया है। UN रैंक नमामि गंगे प्रोजेक्ट अमंग वर्ल्ड्स 10 टॉप 10 इनिशिएटिव। तो संयुक्त राष्ट्र नमामि गंगे परियोजना को दुनिया के शीर्ष 10 पहलों में स्थान दिया है, मतलब यूनाइटेड नेशन ने अगर इसको मान्यता दी है, इसका ये मतलब है कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसमें अब यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करेगा, यूनाइटेड नेशन इसको क्या करेगा, फंडिंग करेगा और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करने का काम करेगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा। अभी जो नमामि गंगे इनिशिएटिव है, बेसिकली गंगा नदी जो है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो गंगा के घाटों को स्वच्छ करना, उसमें उसे पॉल्यूशन फ्री करना, प्लास्टिक फ्री करना और उसका पुनरुद्धार करना, उसका रिस्टोरेशन करना, जिससे हम अपने इकोसिस्टम को बचा सकें, तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसे ही
इसे ही अभी रिसेंटली जो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस मतलब COP15 हुई है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने इसे वर्ल्ड के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था और ग्लोबल वाटर अवार्ड 2019 ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दिया गया। ये अवार्ड जी अशोक कुमार के द्वारा लिया गया है। अभी जी अशोक कुमार कौन है? तो जी अशोक कुमार डायरेक्टर जनरल है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के और इन्होंने ही इस प्राइज़ को लिया है, इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया है ऑन द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी COP15 इन मॉन्ट्रियल कैनेडा। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कैनेडा में है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रिलेशन आपको ओजोन डिप्लीशन से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें अगर करते हैं इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में, तो 2014 में जून 2014 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसके दो मकसद हैं, पहला है कि गंगा रिवर को पॉल्यूशन फ्री बनाना है और दूसरा है गंगा नदी का जीर्णोद्धार करना है, इसका रेजुविनेशन का काम करना है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अब यूनाइटेड नेशन के जो वर्ल्ड टॉप 10 आप देखेंगे इनिशिएटिव में नमामि गंगे को शामिल किया गया है, उसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव को शामिल किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट, जो कि ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए चलाया गया प्रोजेक्ट है। फिर है आबू धाबी मरीन रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, नाम से समझ में आ रहा है ये डुगोंग समझते हो ना, सीकाओ जो होती है, तो आबू धाबी में सीकाओ की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। फिर है ग्रेट ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन से समझ रहे होगे ग्रासलैंड, सबाना ग्रासलैंड जो अफ्रीका में है उनको रिस्टोरेशन करने का ये प्रोग्राम है ग्रेट ग्रीन वॉल। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेट ग्रीन वॉल का रिलेशन सबाना ग्रासलैंड से है, सबाना ग्रासलैंड से आपको इसका रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ और इनिशिएटिव है जिसको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्राम जत्रा इवेंट। तो जो लोग वेस्ट बंगाल से कोलकाता से बिलोंग करते होंगे तो वो लोग उन्होंने ट्राम को शायद देखा भी होगा। तो ट्रैम भारत में एक ही जगह पे चलती है जिसका नाम है कोलकाता में। ठीक है, आज भी उसके रूट्स प्रेजेंट हैं। इस तरीके से सड़क पे चलने वाली जो ट्रेन होती है उसको ही आप क्या कहते हैं कि ट्रैम कहते हैं। तो बेसिकली जो ट्रैम चलाई जाती थी वो उनका मतलब नॉन पॉल्यूटिंग मोड ट्रांसपोर्टेशन था वो, और लोगों को इसके बारे में बताने के लिए कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नॉन पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन फ्री भी हो सकता है और क्लाइमेट के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे 150 एनिवर्सरी कोलकाता में सेलिब्रेट की जा रही है ट्राम जत्रा इवेंट की फरवरी 2023 में। बेसिकली इस ट्रैम कार्निवल की शुरुआत मेलबर्न और कोलकाता ने मिलकर की थी 1996 में। ठीक है, तो 2023 में ये इवेंट कहाँ हो रहा है? वेस्ट बंगाल में हो रहा है। 2022 के लिए जो थीम थी वो थी हेरिटेज, क्लीन एयर एंड ग्रीन मोबिलिटी। हम बात करेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को संभालती हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को संभालती हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबिन ईरानी। वो कहाँ क्या आता था, कौन सा सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी शायद ना, उसकी लीड एक्ट्रेस थी, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। तो स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को संभालती हैं। तो लोकसभा में उनसे क्वेश्चन जब किया गया तो उसके ऊपर ही रिप्लाई दिया गया और प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम इसका नाम चेंज कर दिया गया और PM विकास स्कीम से कर दिया गया है। तो रिसेंटली किस स्कीम का नाम चेंज किया गया है? तो प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम का नाम चेंज करके PM विकास कार्यक्रम कर दिया है। तो स्मृति जुबिन ईरानी ने अपनी स्पीच में यहाँ पे कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास स्कीम इसको कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रीवियसली जो 5 अलग अलग स्कीम चल रही थी उसका भी अमलगमेशन या उसका भी मर्जर इस PM विकास स्कीम में कर दिया गया है, जिसका नाम है सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। तो ये जो सारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे उन सब का भी मर्जर जो है वो PM विकास स्कीम में कर दिया गया है। PM विकास स्कीम जो है वो 15वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा इसे अप्रूव किया गया था। ये PM विकास स्कीम बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, उनके स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और वीमेन लीडरशिप के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। तो रिसेंटली कौन सी स्कीम का नाम चेंज किया गया है? प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम स्कीम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रमोशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हेरिटेज PM विकास स्कीम से कर दिया गया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है,
चलिए अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है कौन है, एस जयशंकर जी हैं। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि देखिएगा जो लोग भी अलग अलग देशों में पीस कीपिंग करते हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो या और दूसरे सोल्जर्स हो, आर्मी हो, उनके ऊपर अटैक होता रहता है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसके लिए ग्रुप बनाया है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो इंडिया लॉन्चेस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स। तो शांति सैनिकों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एस जयशंकर के द्वारा मित्रों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल इसमें शामिल हैं। कौन कौन सा शामिल है? बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल इसमें को चेयर कंट्रीज हैं जो कि भारत का सपोर्ट करने वाली हैं। नेक्स्ट है, इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सेटकॉम स्पेक्ट्रम। आप लोग ने एक संस्था का नाम सुना होगा हमारे देश में काम करती जिसका नाम है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? टेलीकॉम। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसके चेयरमैन पीटी बघेला हैं। और ट्राई जो होता है जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनके ऑक्शन करने का काम करती है। अलग अलग कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया इन स्पेक्ट्रम को खरीदते हैं और उसी फ्रिक्वेंसी रेंज में हमको कम्युनिकेशन की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ये कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बार हमारे देश में क्या हो रहा है, जो सेटकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसकी जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन पीटी बघेला के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है कि इंडिया जो है वो पहली कंट्री होगी जो कि ऑक्शन करने वाली है सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सेटकॉम स्पेक्ट्रम का, जिससे अलग अलग जो इन्वेस्टर है वो आएंगे और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? तो जो जियोस्टेशनरी लो अर्थ ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारी सैटेलाइट जिनके जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और रिपोर्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री फॉर स्पेस के द्वारा पब्लिश की गई है इसरो के रिगार्डिंग। तो आइए उस रिपोर्ट पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री फॉर स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो, इसरो ने पिछले 5 सालों में 1100 करोड़ रुपये कमाए हैं फॉरेन सैटेलाइट से, मतलब जो हम विदेशों के सैटेलाइट आपने देखो, कभी हमने नेपाल की सैटेलाइट लॉन्च कर दी, कभी हमने भूटान की, कभी यूएई की, अलग अलग देशों की सैटेलाइट को हमारा देश जो है वो लॉन्च करता रहता है। तो पिछले 5 सालों में हमने 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च करके। ये डेटा पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री फॉर स्पेस के द्वारा। पिछले 5 सालों में 2018 से 2022 तक इसरो ने कमर्शियल आर्म के जरिए 19 कंट्रीज़ के 177 फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इस लॉन्चिंग के लिए PSLV और GSLV मार्क 3 का यूज़ इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस और 15 अगस्त को 1969 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। दो छोटी सी न्यूज़ है शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हो चुका है और ये 20वां एडिशन है। तो चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन है? 20वां एडिशन है। कहाँ पर हो रहा होगा ये इवेंट? ऑब्वियसली चेन्नई में हो रहा होगा और इस इवेंट की शुरुआत जो है वो 2003 से की गई है। 2003 से ये फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है और इस साल इसका 20वां एडिशन है। इसके अलावा हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योति आदित्य सिंधिया, इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की है मुंबई से सैन फ्रांसिस्को। तो मुंबई से सैन फ्रांसिस्को की शुरुआत की गई है, डायरेक्ट फ्लाइट है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, मुंबई तो समझ में आता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वर्ल्ड का मैप देखना पड़ेगा और नॉर्थ अमेरिका जाना होगा। नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे लॉस एंजलिस और उसके ऊपर आपको यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को देखने को मिलेगा। तो मुंबई से सैन फ्रांसिस्को की डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने की है, जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये शॉर्ट न्यूज़ थी जो हमने देखी। अब अंत में बात कर लेते हैं। देखिएगा, लगातार आप देख रहे हैं कि रशिया और चाइना की अपनी पावर बढ़ते जा रही है और रशिया और चाइना की पावर अब बाल्कन नेशन तक पहुंचने लगी है। तो यूरोपियन यूनियन को एक थ्रेट है। आपने देखा होगा कि जैसे ही रशिया ने इन्वेजन शुरू किया था यूक्रेन पे, तब भी यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हम यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लेंगे। और इसके लिए काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी कुछ मैटर हुआ था उस समय जब ये इन्वेजन शुरू हुआ था, आक्रमण करना शुरू हुआ था, तब यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हम यूक्रेन, कहाँ गया यूक्रेन, यूक्रेन को जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लेंगे, ऐसा कहा गया था। और अभी जो बाल्कन नेशन है, बाल्कन नेशन आप समझ रहे हैं, ये जो नेशन है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, सर्बिया है, क्रोशिया है,
बोस्निया है, ये सभी आपके बालकन नेशन कहलाते हैं। तो बालकन नेशन में रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने एक इनिशिएटिव लिया है और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है ये जो बोस्निया है, यहाँ पर जो कंट्री है बोस्निया, इसको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लिया जाएगा। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन एग्री टू गिव कैंडिडेट स्टेटस टू बोस्निया। तो कैंडिडेट स्टेटस जो है वो बोस्निया को दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इसके पहले आप देखेंगे 2004 में स्लोवेनिया को मेंबरशिप दी गई थी यूरोपियन यूनियन की, क्रोशिया को 2013 में दी गई थी, कैंडिडेट कंट्री 2012 में सर्बिया बना था। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि बोस्निया ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए 2016 में अप्लाई किया था। पहले अप्लाई करोगे तभी तो मेंबरशिप मिलेगी ना, तो 2016 में अप्लाइड किया था और अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन एग्री हो गया है बोस्निया को कैंडिडेट स्टेटस देने के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलो अब यूरोपियन यूनियन कब बना था, तो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 मेंबर स्टेट हैं। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है और 2016 में ब्रेग्जिट हुआ था। आप लोगों ने सुना था ना ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, जिसको हमने कहा था ब्रेग्जिट, 2016 में ब्रेग्जिट भी हुआ था। तो ये कुछ बातें थी। आइए अब हम बात करते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। सो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की शुरुआत किसने की है? तो हमने अभी कल ही देखा था इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की शुरुआत G7 नेशंस के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट या करेंसी नोट विथ टू वुमेन सिग्नेचर? तो दो महिलाओं के सिग्नेचर के साथ पहला बैंक नोट किसने पब्लिश किया है, जारी किया है? तो USA के द्वारा। ऑप्शन डी जर्मनी नहीं, रेमी फरार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के जो नए चीफ साइंटिस्ट बन गए हैं वो जेरेमी फरार बन गए हैं। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सौम्या स्वामीनाथन को रिप्लेस किया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि जनवरी 2023 में होंगे, उसमें दो अलग अलग कैटेगरी में किस इंडियन मूवी को नॉमिनेट किया गया है? तो दो अलग अलग कैटेगरी में RRR मूवी को नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन बी काजिंद 2022। तो काजिंद एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। इस साल ये कहाँ हो रही है? उमराई मेघालय में हो रही है। पूछा जा रहा है ये कौन सा एडिशन है, तो काजिंद एक्सरसाइज का ये 6th नंबर का एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 6वें नंबर का एडिशन है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फुटबॉल प्लेयर लियोनल मेसी, इन्होंने कन्फर्म किया है कि फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद, जो कि दिसंबर 18 में फाइनल है, उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे, मतलब संन्यास ले लेंगे। ये किस देश के खिलाड़ी हैं ये पूछा जा रहा है। तो मेसी हम सभी को पता है अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली हीट एट द शॉर्ट कोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मेलबर्न रिसेंटली? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेलबर्न में हो रही है और इसमें 200 मीटर मैं नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? शिवा श्रीधर ने बनाया है। इस क्वेश्चन को बताने का एक ही मकसद है कि शिवा श्रीधर नाम की एक खिलाड़ी हैं जिनका रिलेशन स्विमिंग से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी 9 अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको GI टैग दिया गया है, इसके ऊपर मैंने जानकारी दी थी। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के पास अब कितने GI प्रोडक्ट हो गए हैं, ये आप बताएंगे। दूसरा बात है, ये जो वाइपोरू उरू है, मतलब वोट है या शिप है, इसके लिए भी GI टैग देने की मांग उठाई जा रही है, शाउट किया जा रहा है, ये किस राज्य का है? उड़ीसा, असम, केरला या वेस्ट बंगाल? इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं कल संडे में अपने क्विज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।